मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों में से 5 लाख की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित कर्मचारी आयोग का सरकार ने कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। ये पहला मौका है जब बड़े कर्मचारी वर्ग को प्रभावित करने के लिए गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी हो और उसका कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने बाद कार्यकाल को बढ़ाया गया, जिसके बाद अब वेतन विसंगति को लेकर कर्मचारियों में असमंजस की जो स्थिति है वो बन गई। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारी हितों को लेकर बनाए गए कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है। आयोग का कार्यकाल 11 दिसंबर 2023 से 12 दिसंबर 2024 तक होगा। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि सरकार ने मनचाही रिपोर्ट हासिल करने के लिए आयोग का कार्यकाल बढ़ाया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कह चुके हैं कि आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिसका परीक्षण कर लागू करवाया जाएगा। लेकिन सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में प्रत्येक संवर्ग के अधिकतम वेतन मान के बराबर वेतन करने की सिफारिश की गई थी। इससे 5 लाख कर्मचारियों को 12,000 से 60,000 तक का फायदा होने की उम्मीद थी। समिति का कार्यकाल दिसंबर 2024 कर दिया गया है, उसके बाद जो अनुसंधाएं होंगी वो सौंपी जाएंगी और उसको सौंपने के बाद वो कब लागू होंगी, कैसे लागू होंगी, ये सोचनीय विषय है। कर्मचारियों के मामले में सरकार हमेशा समिति का गठन कर देती है और इस कारण उनके मामले लटकाए जाते रहते हैं। हमारे वरिष्ठ अधिकारी एवं हमारे माननीय विधायकगण, सांसदगण, मंत्रीगण के जो वेतन भत्ते बढ़ते हैं उसके लिए कोई समिति का ऐसा गठन नहीं होता और उनको लाभ मिल जाते हैं। कर्मचारियों के लिए भी इसके लाभ तत्काल दिए जाएं, दिसंबर 2024 तक और हजारों कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे। वहीं पिछली रिपोर्ट को लेकर अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वहीं नई सिफारिशों के परीक्षण की बात भी कही जा रही है। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों में से 5 लाख की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ाए जाने और प्रथम रिपोर्ट को उजागर न करने को लेकर कर्मचारियों के बीच आक्रोश का माहौल है। आईनेश न्यूज के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल की रिपोर्ट।